पता चल गया कान का जुड़ा हो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अंगूर हाँ नहीं नहीं नारियल बने हो तुम, नारियल बने हो। अरे नहीं का, मैं का बना हुआ था बलू। तुम दोनों रानी के लिए खाना लेकर आओ। ये तो माचा है। तुम्हें पता भी है मुझ जैसी बेवकूफ रानी कहीं नहीं है। बेवकूफों की रानी माशा मैं ही तो हूँ। माशा को बेवकूफ कहा, इसका बदला लूंगी मोगली। सो माशा, मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी माशा की एक्टिंग करने की? ओ अच्छा। माफ करना। बत्ती सी दिखाना बंद करो, आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें कैद कर रही हूँ, समझे इंसानी बच्चे। दिन में सपने मत देखो माशा। मैं तो बात कर रही थी तभी बंदर आए और मोगली को ले गए, पता ही नहीं चला। महक तो उन बंदरों की ही आ रही है। ये बंदर हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। पकड़ो उसे। बाय माशा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना मोगली, पर मुझे इस चीज की ताकत अच्छे से पता है। ये तुम्हें इस पिंजरे में हमेशा के लिए कैद रखेगी। मैं हार मानता हूँ माशा, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, माफ कर दो। प्लीज बाहर निकालो ना। ओ, इसका मतलब रानी माशा के सामने इंसानी बच्चे ने घुटने टेक दिए, मैं जीत गई। माशा। ये माशा नहीं है। माशा कहाँ है? हमेशा के लिए मुझे बंद कर दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती माशा। चलो एक गेम खेलते हैं माशा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा और अगर तुम जीती तो मैं हमेशा के लिए कैद रहूंगा। बिना खेले भी तुम हमेशा कैद रहोगे। ठीक है, मैं अकेले ही ये गेम खेलता हूँ। ए, क्या कर रहा है? ए, क्या कर रहा है? तुम किसी की नकल उतार रही हो क्या? तुम्हारी एक जोकर की नकल, देखा ना तुम ऐसे हो एक जोकर की तरह। तुम ऐसे हो एक जोकर की तरह। नहीं तुम जोकर हो, तुम जोकर हो, तुम जोकर हो। नहीं तुम जोकर हो, तुम जोकर हो, तुम जोकर हो।
मुझे वो चीज ला कर दो। अरे वही चीज जो मैंने इस गड्ढे में गिरा दी थी। सुनो, इसे बाहर निकालो। वो आ रहे हैं, बलू और बघीरा हमारे अड्डे की तरफ आ रहे हैं। लगता है अपनी बंदर सेना बुलानी पड़ेगी। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चलो। तू भी माशा नहीं है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे ठंडी गुफा के खंडरों में जानना है। अच्छा, तो वो वही है। ये सब कहाँ गायब हो गए? यहाँ अंदर देखती हूँ। मोगली, तुम ठीक हो? मेरे शाही कैद खाने में स्वागत है। कैदियों, बोलो अब बेवकूफ कौन है? इन्हें तो जाने दो, इसमें इनकी क्या गलती है? आवाज नीचे रखो कैदियों, रानी माशा की जय हो। माफ करना, मेरी वजह से ये सब हुआ, पर शायद डाजी हमें यहाँ से निकाल सकती है। संभल कर, पीछे देखो। देखो देखो, ये चिड़िया इन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। लाओ मुझे दो उसे। ये तो मेरी चीज है और इस छुटकी को भी सबक सिखाना पड़ेगा। रुको माशा, दासी को छोड़ दो, उसे चोट लग जाएगी। रानी माशा सिर्फ अपने दिल की सुनती है। खुशबू तो बंदरों की आ रही है, पर कुछ और भी सामने है। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे डाजी की मदद करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले तो तुम वादा करो कि तुम आज के बाद माशा की नकल कभी नहीं उतारोगे। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा तभी बात बनेगी। जरा देखो तो मुझे, मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ, पर मैं रानी कैसे बन गई? बकवास बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी नकल मत करो, मेरी नकल मत करो, मेरी नकल मत करो, क्योंकि मैं रानी हूँ, इन बंदरों की रानी। बहुत हुआ, तुम्हें अंदर आकर सबक सिखाती हूँ इंसानी बच्चे। ये काम तुम दोनों करो, पिंजरा खोलो और इंसानी बच्चे को मेरे पास लाओ। तुम करो। मैंने कहा तुम करो। कहा ना तुम करो। तुम दोनों करोगे, मैंने कहा ना। तुम्हारी चीज छूट गई थी। ओ शुक्रिया। मैं तुमसे कभी नहीं हार सकती मोगली, कभी नहीं। देखो कहाँ आ गया। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुम मिल ही गई माशा। ठीक है पापा, मेरी गलती थी, पर माशा ने साबित कर दिया कि उसमें जरा भी अक्ल नहीं है।
बात तो सही है, पर माशा ने साबित कर दिया कि उसमें अक्ल नहीं है। ओए, अब तुम मेरी नकल उतारना शुरू मत करो। अरे अब तुम मेरी नकल उतारना शुरू मत करो। ये नाच क्यों नहीं रहा? अब किसका इंतजार है बलू? शांत रहो, उसे ध्यान लगाने दो। आज से 70 साल पहले मेरे पिता ने पिछला सन डांस किया था, तब मैं बहुत छोटा था, अच्छे से याद नहीं आ रहा। अरे नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या? अगर हाथी ने सन डांस नहीं किया तो हो सकता है सूरज दोबारा ना निकले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे? वो और वो यहाँ आते ही होंगे, उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, उन्होंने पिछला सन डांस देखा ही होगा, वो हाथी की मदद करेंगे। पर वो दोनों है कहाँ? अगर वो कछुए नहीं आए तो? उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आए तो जंगल में फिर कभी सवेरा नहीं होगा, और अंधेरे में मेरा जंगल बन जाएगा शिकार करने की बेहतरीन जगह। मुझे भी डर लग रहा है। सुनो दोस्तों, ये वक्त बातों का बिल्कुल नहीं है, बल्कि काम करने का है। मैं चाहता हूँ वो जानवर सामने आए जो नदी के किनारे किनारे ऊ और वू के घर तक जाएं और उन्हें यहाँ सनरॉक तक लेकर आएं। मैं जाता हूँ। बहुत अच्छे मोगली। वहाँ तो इस वक्त काफी अंधेरा होगा, क्या वहाँ जाना ठीक रहेगा अकेला? मैं साथ जाता हूँ। तुम इस तरफ से आगे बढ़ो, मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। मोगली रुको, उस इंसानी बच्चे को कच्चा चबाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। चल तबाकी। वो इस काम में मेरी क्या जरूरत है शेर खान? जैसी तेरी मर्जी। जल्दी चलो, सभी सनरॉक पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बू, चल तो रहा हूँ। हम सही रास्ते जा रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। पर मुझे लगता है ये दूसरा रास्ता है। शब्द लगाती हो? हाँ लगा दो। कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जरा मैं कोशिश करता हूँ। कहीं दिखे? कहीं नहीं। बहुत देर हो गई इंसानी बच्चे, जब तक तेरा दोस्त आएगा तू मेरे पेट में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा शेर खान। बघीरा! मैं आ रहा हूँ मोगली। अरे नहीं, हमेशा पानी से सामना क्यों होता है? अब बचकर कहां जाओगे इंसानी बच्चे? आओ बघीरा, तुमने कहीं कछुए देखे? मोगली कहाँ है? क्या क्या तुमने उसके साथ? अब तुम ही बताओ, मुझे कैसे पता? मैं तो तुम्हारे साथ कछुओं को ढूंढने आया हूं। वहाँ जंगल मुसीबत में है और तुम मोगली के पीछे पड़े हो। अगर हमने कछुओं को नहीं ढूंढा तो जंगल में फिर कभी सवेरा नहीं होगा। अच्छा ही तो है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। वो मिलेगा तो तुम्हें बता दूंगा। मोगली, शेर खान भी कछुओं को ढूंढने गया है। वक्त
वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी चलो। वो नदी है ना? लगता तो है, पर हो सकता है ये ना हो। मैं एक शॉर्टकट बता दूं। पर तुम ये क्यों करना चाहते हो? जल्दी जाओ और सनरॉक पहुंचो, ताकि हाथी को सनडांस याद दिला सको। जंगल के मौजूदा नाजुक हालात को देखते हुए मैंने फैसला किया है, मैं जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा, अपने शिकार के बारे में नहीं सोचूंगा। सच में? तो तुम हमें शॉर्टकट दिखाओगे? आओ मेरे पीछे। पहले तुम दोनों जाओ। अब सारी उम्मीदें ऊ और बू पर ही टिकी हैं। मोगली को अब तक वापस आ जाना चाहिए। अगर वो शेर खान के हाथों बच गया तो? क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। शेर खान मोगली का शिकार करने निकला है। क्या? नहीं। आओ। मुझे कछुए मिल गए। बचाओ, बचाओ। उन्हें छोड़ दो शेर खान। मैं भी यही चाहता हूँ, पर बदले में मुझे इंसानी बच्चा दे दो। शैतान कहीं के, कभी नहीं। हाँ तो ठीक है, हाथी कभी भी डांस नहीं कर पाएगा और सूरज फिर कभी नहीं उगेगा, और ये सारी गलती सिर्फ इंसानी बच्चे की होगी। मोगली नहीं, पर इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ? हम कामयाब रहे। जल्दी मिलेंगे बघीरा। और मोगली? वो सुरक्षित है। मैं तो डर ही गया था। मैंने अभी अभी शेर खान को उस टूटे पेड़ की आड़ में छुपकर देखा तो मुझे लगा कि अरे हाँ, वो मोगली और कछुओं का इंतजार कर रहा है। हंस लो बच्चों, ये हंसी आखिरी हंसी होगी। मोगली बचना, मोगली, आगे मोगली! शेर खान। इस बार इन नमूनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। मोगली ने कर दिखाया। बलू, मजा आ गया। बलू, दिखाओ ना। याद आ गया। Oh,
बहुत खूब मोगली, क्या बात है, बहुत अच्छा जी। टबाकी कहाँ रह गया गीदड़ के बच्चे, टबाकी। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवीज